आज हम बनाएंगे दूध से बनी एक अरबिक डेजर्ट। इसका नाम है मुहलबिया या फिर महलबिया। ये डेजर्ट हम बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। इसे फ्रिज में रखकर ठंडा होने के बाद ही सर्व किया जाता है। इसे सर्व करते टाइम छोटे कप्स में डालकर पिस्ता और रोज पेटल्स से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया भी जाता है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हमें कॉर्नफ्लावर और दूध को मिक्स करके एक मिश्रण बनाना है। चौदाई कप कॉर्नफ्लावर और आधा कप दूध को एक बाउल में डालकर बिना लम्स के अच्छे से मिला लेते हैं। इसे साइड पर रखते हैं। अब हम दूध को उबाल लेते हैं। महलबिया बनाने के लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। इसको मैं एक बर्तन में डालती हूँ। स्वीटनेस के लिए डालते हैं 1/4 कप चीनी। इसमें अच्छे से उबाल आने तक हमें वेट करना है। जब दूध में उबाल आने लगे तो हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और दूध का मिक्सचर। मिश्रण को डालते ही दूध गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसे चलाते हुए धीरे से डालना है। अब ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर और मिक्स करते हुए पका लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ डालने से इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आएगा, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बिना भी ये बहुत टेस्टी है। क्रीम चीज़ डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसमें डालते हैं रोज़ एसेंस। फ्लेवर के लिए आप रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैं रोज़ एसेंस सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये एक बेहतरीन फ्लेवर लाता है। एसेंस डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएं और फ्लेम को स्विच ऑफ करना है। अब हम इसे छोटे ग्लास में डालते हैं। हमें इसे पूरा फिल नहीं करना है, बस आधा ही फिल करना है। अब हम इसे 2 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। हमें बीच में एक चाशनी बनानी है। इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून चीनी एक पैन में डालती हूँ। अब इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप पानी डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके बॉईल करना है। अब इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून लाल फूड कलर। इसको अच्छे से मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाना है। इसमें भी 1 या 2 ड्रॉप्स रोज एसेंस डाल लेते हैं। सिरप तैयार है। अब हम इसे फ्लेम से निकाल लेते हैं। डेजर्ट सेट होने के बाद हम उसके ऊपर ये शुगर सिरप डाल लेते हैं। बस 1 या 2 टेबलस्पून डालना है और इसके ऊपर एक पतला सा लेयर फॉर्म करना है। इसमें हम कटा हुआ पिस्ताशियो डालकर अच्छे से सजा भी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डेजर्ट कितना कलरफुल और सुंदर बन गया है। आप इसे फेस्टिव टाइम या गेस्ट के आने पर बना के देखिए, जरूर आपको तारीफ मिलेगा। इसे सजाने के बाद फिर से 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद इसे ठंडा ही सर्व करना है। आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से सेट हो गया है। आप इसे बना के देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये महलबिया का डेजर्ट पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।